संज्ञा को पढ़ाते हैं, संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहा जाता है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो इन सारी चीज़ों को देखिएगा। तो दोस्तों संज्ञा के संबंध में आप पहले इस बात को समझना है आपको कि संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहा जाता है, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो आप जानिएगा कि संज्ञा जो है, संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, नाम। क्या होता है, नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा किसे कहा जाता है, तो संज्ञा का शाब्दिक मीनिंग होता है नाम। बिल्कुल जुड़ते रहे हमारे दोस्त जो नए जुड़ रहे हैं साथ में। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। बिल्कुल मैं आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, ठीक। तो आप देखिएगा, तो संज्ञा, संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। नाम होता है संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, नाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। देखिए इस बात को ध्यान रखेंगे, संज्ञा, कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, सबका कुछ न कुछ क्या होता है, नाम होता है। सबका कुछ न कुछ नाम होता है। इस बात को जानिएगा दोस्तों, को संज्ञा किसे कहा जाता है, तो संज्ञा संसार में जितने व्यक्ति हैं, जितने वस्तु हैं, जितने भी प्राणी हैं, जिस सबका कुछ न कुछ क्या होता है, नाम होता है। और जब नाम है तो नाम को ही हम क्या कहते हैं, नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे हम हैं तो मेरा भी नाम है, तो हम क्या हैं, संज्ञा है। आप हैं, आपका नाम है, तो आप क्या हैं, संज्ञा है। हमारे पास ये है कुछ जिसका नाम है, तो ये भी क्या है, संज्ञा है। हम जहाँ पे पढ़ा रहे हैं ये भी है, तो इसका भी कुछ नाम है, तो नाम है, तो ये भी क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा इस बात को कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। नाम, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम होता है। और संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वस्तु हैं, सबका कुछ न कुछ नाम होता है। और जब नाम होता है तो नाम को ही हम क्या कहते हैं, नाम को ही हम कहते हैं संज्ञा। नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। अब थोड़ा इस बात को ध्यान रखें कि आपने कभी सोचा कि यदि संज्ञा न होती तो क्या होता, यदि संज्ञा न होती तो क्या होता, पहचान अधूरी होती, पहचान अधूरी होती। अगर संज्ञा नहीं होती, इस बात को ध्यान रखें, अगर संज्ञा नहीं होती तो व्यक्ति की पहचान क्या होती, अधूरी। कोई व्यक्ति संज्ञा से पहचाना जाता है, शब्दों का लिंग निर्धारण किससे, ध्यान रखेंगे, संज्ञा का शब्दों का लिंग निर्धारण जो किसके अनुसार होता है, तो शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है। तो हम आपको क्या बताएं, तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वस्तु हैं, जितने भी प्राणी हैं, जो स्वभाव है, सब क्या है, सब क्या है, संज्ञा है। और जब संज्ञा है तो संज्ञा को हम किस नाम से जानते हैं, संज्ञा को हम क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है, कि इसका शाब्दिक अर्थ ही क्या पड़ा है, नाम पड़ा है। कर्पण हुआ। अब हम इसको अगर आपको परिभाषा दें, इसकी हमें परिभाषा देना है कि परिभाषा में कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के बारे में अगर हम आपको बताएं संज्ञा की क्या परिभाषा बनती है, तो आप बताइए कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव, क्यों, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव, सबके नाम को ही हम क्या कहते हैं, सबके नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा। आप कह सकते हैं अंग्रेजी में अगर इसे कह दें तो कहेंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन ऑफ प्लेस आर थिंग्स। कन्फर्म हुआ। तो संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब आप चलिए क्या इसके प्रकार,
कौन कौन प्रकार होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो यह पांच प्रकार की होती है। कौन सा भैया? पांच प्रकार। कितने प्रकार हैं? पांच प्रकार की संज्ञा होती है। अपने पांचों प्रकारों को देखिएगा, तो पहली जो संज्ञा है यह आपकी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। जो दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, और जो दूसरी संज्ञा है इसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो तीसरी संज्ञा है इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और जो चौथे स्थान पे है इसका नाम है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। जो पांचवें स्थान पे है ये है आपका भाववाचक संज्ञा। ये आपके पांच भेद हैं संज्ञा के। इन पांचों भेदों को ध्यानपूर्वक देखें। जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बाद आपका है समूहवाचक संज्ञा, इसके बाद है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, और पांचवें स्थान पे जो है ये संज्ञा कौन सी है? तो पांचवें स्थान पे जो संज्ञा है इसका नाम है भाववाचक संज्ञा। कन्फर्म हुआ कौन सी संज्ञा है? तो पांचवें स्थान की जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा है। आप देखिए इन चीज को याद रखना पड़ेगा, संज्ञा के कितने भेद हैं, कौन कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा को अच्छे से आप ध्यान रखिए। देखिए मैं जो नए लड़के जुड़ रहे हैं, नए दोस्त जुड़ रहे हैं, हम इनको एक बार बता देते हैं, बहुत घबराने की कोई बात नहीं, वेरी सिंपल है ये संज्ञा। आपसे एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछ लेता है, संज्ञा से एक प्रश्न आपका बार बार पूछ लेता है, क्या है संज्ञा, तो कैसे है। तो अब मैं कुछ भी बताया आपको, संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है, और संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वस्तु हैं संसार में, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी स्वभाव हैं, उन सबका नाम ही क्या है? संज्ञा है। सबका नाम होता है, और जब नाम है तो नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। कन्फर्म हुआ? आपसे परीक्षा में पूछा था कि शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो संज्ञा का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर। शब्दों का लिंग निर्धारण जो है किसके आधार पर होता है? तो शब्दों का लिंग निर्धारण जो है वो संज्ञा के आधार पर होता है। कन्फर्म हुआ? तो अब देखिएगा बारी बारी से एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा। हमने बताया कि यदि संज्ञा नहीं होती तो संज्ञा क्या होता? व्यक्ति की पहचान क्या हो जाती है? अधूरी हो जाती है। कन्फर्म हुआ? अब आप देखिएगा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, मैं दोनों संज्ञा को एक साथ बताता हूँ, आप इसको अभी पकड़ लेंगे कौन सी संज्ञा कैसी है। देखिए मैं आपको पहला एक दिखा रहा हूँ कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। आगे मैं दूसरा आपको दिखा रहा हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों को आप पकड़िए कि कौन कौन सी संज्ञाएं हैं। तो आप देखिएगा किसमें जातिवाचक संज्ञा है और किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दोनों संज्ञा को आप ध्यान देखें। तो जातिवाचक जो संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? तो जातिवाचक जो संज्ञा होती है इसमें होता क्या है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के जातीय समूह का बोध होता है। फिर से ध्यान दें, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के जाति समूह का बोध होता है। किसका होता है? जाति समूह का बोध होता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के किसी विशेष व्यक्ति, किसका होता है? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा में जातीय समूह का बोध होता है। जाति समूह का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन समूह आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कन्फर्म हुआ? अब हम थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं कौन सा जातिवाचक संज्ञा है और कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान से देखें, जैसे हम आपको यहाँ पे कहें, जैसे हम कहें पहाड़, अब हम पहाड़ कह रहे हैं, तो पहाड़ कहने से संसार के जितने भी पहाड़ हैं, संसार के जितने हैं पूरे पहाड़ जाति का बोध होगा। जैसे हिमालय है, जितने भी पहाड़ हैं
सब पहाड़ों का, संसार के सारे पहाड़ों का बोध होगा। तो जब संसार के सारे पहाड़ों का बोध होगा तो ये संज्ञा कौन सी होगी आपकी? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम किसी को व्यक्तिगत कर दें, किसी को विशेष कर दें, किसी को नामित कर दें, जैसे हम नाम ले लिया हिमालय, क्या कह दिए? हिमालय। अब हिमालय हमने कहा तो अब हिमालय में पूछा जाए कि हिमालय में कौन सी संज्ञा है, हिमालय में, तो हिमालय में आपकी संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो हिमालय में आपका कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कन्फर्म हुआ? जैसे हम आपको कहें शहर, यदि हम शहर कह रहे हैं तो संसार के सारे शहर जाति का बोध होता है, तो इसलिए इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम किसी शहर को नाम स्पेशल कर दें, हाँ किसी स्पेशल नाम अगर ले लेते हैं, जैसे हम आपको कह दें, जैसे हम कह दें पटना, अब पटना क्या है? एक शहर है। हमने इसको व्यक्तिगत कर दिया, इसको हम नामित कर दिए, तो जब व्यक्तिगत कर दिया जाएगा, नामित कर दिया जाएगा, तो उसमें संज्ञा कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। जैसे हम कहें देश, आप लोग बताते रहिए, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हमारे दोस्त और भी बताते रहे इस बात को, जैसे देश लिखा है तो पूछा जाए कि देश में कौन सी संज्ञा है, तो देश में संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। कन्फर्म हुआ? अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि देश में संज्ञा कौन सी है, तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर लिख दिया जाए भारत, भारत लिख दिया जाए, तो भारत में अब संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो भारत में संज्ञा आपकी कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। कन्फर्म हुआ? तो जाति समूह का बोध कराने वाले सब जातिवाचक, और जब किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान का बोध किया जाए तो आप संज्ञा कौन सी हो जाती है आपकी? भाववाचक संज्ञा। कन्फर्म हुआ? जैसे हम लिख दें माह, अगर हम माह लिखते हैं तो सब सारे हमारे माह हैं, जितना है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब माह हैं। लेकिन अगर हम किसी को व्यक्तिगत कर दें, किसी को नामित कर दें, जैसे हम कह दें जनवरी, अब हम जनवरी अगर लिख दिए तो अब जनवरी में हमारा कौन सी संज्ञा हो गया हमारा? तो जनवरी में हमारा कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक। कन्फर्म हुआ? जैसे हम आपको लिख दें, जैसे हम कहें लड़का, अब लड़का कहते हैं तो लड़का कहने से सारे संसार के जितने भी लड़के हैं पूरे लड़के जाति का बोध होगा। लेकिन यदि हम एक स्पेशल कर दें, किसी को विशेष कर दें, किसी को व्यक्तिगत कर दें, जैसे हम लिख दें मोहन, तो अब मोहन में संज्ञा कौन सी हो गई? तो मोहन में संज्ञा कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक। अब मोहन यहाँ पे क्या हो गए? स्पेशल हो गए। तो किसी विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है, मोहन अब क्या हो गए? मोहन कोई विशेष व्यक्ति हुए। तो अगर विशेष व्यक्ति की बात की जाए तो मोहन में अब संज्ञा कौन सी हो गई? तो मोहन में आपका संज्ञा कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कन्फर्म हुआ? अब आप सोच रहे हैं संसार में बहुत मोहन है, लेकिन नहीं, जो मोहन में, जो इस मोहन में गुण है वो सारे मोहन में नहीं है। इसलिए मोहन है क्या? मोहन व्यक्तिगत हो गए, मोहन विशेष हो गए। कन्फर्म हुआ? चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक जो संज्ञा होती है इसमें जाति समूह का बोध होता है, जाति समूह का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, तो जाति समूह का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कराते हैं? जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, किसी विशेष की बात की जाए, अगर किसी विशेष का बात किया जाता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, तो आप संज्ञा कौन सी होगी? तो आप संज्ञा आपकी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कन्फर्म हुआ? चलिए हम अपने आगे वाले टॉपिक चलते हैं, जो दूसरा हमारा है ये हमारा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। अब हम आते हैं भाववाचक समूहवाचक संज्ञा पे, देखते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? तो समूहवाचक संज्ञा में आप ध्यान रखेंगे, समूहवाचक संज्ञा क्या है? तो समूह का बोध कराने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो समूह का बोध कराते हैं, समूह का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूह के बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आप देखिए, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं जो समूह का बोध कराए। अब देखिए समूह का बोध कैसे, जैसे कुछ शब्द ऐसे है बोला जाए जो समूह का बोध कराए, तो वहीं पे क्या हो जाता है? समूहवाचक संज्ञा होती है। हम आपको बताएं, जैसे आपको लिख दिया जाए बाजार, देखिए बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है
तो बाजार में संज्ञा कौन सी होगी? तो बाजार में संज्ञा कौन सी होगी? तो बाजार में कौन सा होगा? समूहवाचक संज्ञा। बहुत सारे व्यक्तियों का क्या होगा, बाजार कह देने से ये समझ में आता है कम से कम क्रेता विक्रेता दो लोग तो जरूर होंगे या बहुत दुकानों का समूह होगा। तो इस तरीके से इस बात को आप जानते रहिएगा कि बाजार में अगर आपको संज्ञा पूछी जाती है तो बाजार में संज्ञा कौन सी हो जाएगी, बाजार में आपकी संज्ञा हो जाएगी। तो कौन सी संज्ञा होगी? तो बाजार में ध्यान रखिएगा, बाजार में हमारा समूहवाचक संज्ञा है, कन्फर्म हुआ। आगे ध्यान रखें, जैसे हम कह दें कक्षा, अगर हम कक्षा कहते हैं तो कक्षा एक समूह का बोध होगा, स्टूडेंट का होगा, उसमें छात्र भी होंगे, तो कक्षा कहने से छात्र और अध्यापक दोनों होंगे, तो समूहवाचक का बोध कराता है। कक्षा अगर कहते हैं तो ये एक समूहवाचक का बोध कराता है, और जब समूह का बोध कराता है तो समूह का बोध कराने वाले शब्दों की हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कर्पण हुआ, तो समूह का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कर्पण हुआ, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कह दें मेला, अब मेला लिखते हैं तो मेला में भी क्या हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, समूह का बोध, तो ये भी क्या है, मेला में भी संज्ञा कौन सा हो गया आपका, मेला में भी है। जैसे हम कहते हैं छावनी, अगर हम छावनी लिखते हैं तो छावनी में भी क्या होता है, समूह का बोध होता है। छावनी की जगह सेना के ठहरने का जो स्थान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, छावनी कहते हैं। तो इससे छावनी में भी संज्ञा अगर पूछा जाए तो कौन सा है आपका, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे हम आपको लिख दें भीड़, भीड़ में आपकी संज्ञा कौन सा है, तो भीड़ लिखते हैं, भीड़ में भी संज्ञा कौन सा है आपका, समूहवाचक संज्ञा है। कन्फर्म हुआ, जैसे आपको लिख दिया जाए पंचायत, पंचायत लिखते हैं तो पंचायत लिखने से भी हमें क्या बोध होता है, पंचायत लिखने से भी ये हमें बोध होता है इसमें कम से 5 लोगों का समूह होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने लोग हो जाएं लेकिन कम से 5 लोगों का समूह होगा। तो पंचायत में भी कौन सी संज्ञा है, तो पंचायत में भी हमारी संज्ञा कौन सी है, संज्ञा हमारी कौन सी है आपका, समूहवाचक संज्ञा। कन्फर्म हुआ, अब हम आपको बताते हैं कुछ परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, विद्युत परीक्षा जो टेट में सीटेट में पूछे गए हैं, आपको लिखा था इन तीनों का भी मैं बोध करा रहा हूँ आपका सिलेबस, तीनों को देखा। जैसे बाजार को कई बार पूछा जा चुका है कि बाजार में संज्ञा कौन सी है, तो बाजार में बता दिए कि क्रेता और विक्रेता दो लोग तो कम से कम होंगे ही, जब दो लोग होंगे तो निश्चित रूप से संज्ञा हमारी क्या हो जाएगी, संज्ञा कौन सी होगी, तो यहाँ संज्ञा कौन होगा, समूहवाचक संज्ञा। आगे लिखा था आपके जो सुपर टेट का परीक्षा हो रहा था, तो सुपर टेट के परीक्षा में इस बात को लिखा था आपका काला सागर, काला सागर, आप पूछो काला सागर में, लाल सागर में, पीला सागर, जो भी देता है, आप कहता है काला सागर में कौन सी संज्ञा है, तो आप काला सागर, आप सोच रहे होंगे अगर मैं सागर कहता, सागर कहता तो संसार के जितने सागर हैं सबका बोध होता, जो भी आपके 4-5 जो भी सागर हैं सबका बोध, लेकिन अगर हम ये बात को कह दिए काला सागर, मैं किसी व्यक्ति को नामित कर दिया, किसी व्यक्ति को स्पेशल कर दिया, जब किसी व्यक्ति को स्पेशल कर दें, किसी व्यक्ति को नामित कर देते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर संज्ञा कौन सी हो जाती है, वहाँ पर संज्ञा हो जाती है हमारा समूहवाचक संज्ञा, कौन सा, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से इस बात को आप जानते रहिएगा कि जब किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष प्राणी, किसी विशेष स्थान आदि का नाम लिया जाता है, निश्चित रूप से वहाँ पर संज्ञा कौन सी होती है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। कन्फर्म हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक चलते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा है आपका, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, तो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा होता है कि द्रव, द्रव जैसे लिक्विड, जैसे लिखा है द्रव पदार्थ, इन सब का बोध हो, अर्थात माप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, तो माप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है तो वहाँ पर संज्ञा हमारी कौन सी हो जाएगी, वहाँ पर संज्ञा हमारा हो जाएगा द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, किसका हो जाएगा, माप तौल वाली वस्तु का बोध हो, माप तौल वाली वस्तु का बोध हो, माप तौल वाली वस्तु का यदि बोध होता है तो माप तौल वाली वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही,
माप तौल वाली वस्तु का बोध कराने वाले शब्द क्या कहते, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बारिश हो रहा है दोस्त, बारिश हो रहा है। तो माप तौल वाली वस्तु का बोध कराया जाए तो वहाँ पे संज्ञा कौन सी होती है, संज्ञा आपका हो जाता है द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा होता है। कन्फर्म हुआ, जैसे हम आप आपको लिख रहे हैं सब, जैसे कह दिया जाए, हाँ जैसे कह दिया जाए चांदी क्या है, पदार्थ है, तो इसमें संज्ञा कौन सा है आपका, द्रव या पदार्थवाचक। जैसे हम आपको लिख दें सोना, ये गोल्ड वाला है, हाँ इसमें आप पूछा जाए किसमें संज्ञा कौन सा है, तो पदार्थ है। जैसे लिख दिया जाए लोहा, ये भी कैसा है, या मापतौल वाली वस्तुओं का बोध ले ले, जैसे कहते हैं तेल, तेल में कौन सी संज्ञा है, तो तेल में आपकी संज्ञा कौन सा है, तो आपका पदार्थवाचक। जैसे हम लिख दें आपको तेजाब, इसमें हमारी संज्ञा कौन सा है, इसमें भी हमारी संज्ञा जो है वह निश्चित रूप से कौन सा, द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा है। हम आपको जैसे लिख दें आपको घी, जैसे लिख दें दूध, देखिए मापतौल वाली वस्तुएं हैं, मापतौल वाली वस्तुओं का, जैसे हम लिख दें आटा गेहूँ, मापतौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, तो मापतौल वाली वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, मापतौल वाली वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। कन्फर्म हुआ, आगे हम आपको बताते हैं भाववाचक संज्ञा, कौन सा, भाववाचक संज्ञा। अगला जो है आपका भाववाचक संज्ञा, ये क्या है, किसी भी व्यक्ति, भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, आराम से वेरी सिंपल, सबसे सिंपल भाववाचक संज्ञा है किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के भाव, गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को ही भाव, ऐसे शब्द जिनसे भाव, गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है, तो भाव, गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जिनसे भाव, गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव, तो भाव, गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे हम आपको लिख दें, जैसे लिख दें बुढ़ापा, बुढ़ापा ये क्या है, बुढ़ापा एक अवस्था है, तो बुढ़ापा में, तो हम आपको थोड़ा इसमें शॉर्टकट ट्रिक बता दें भाववाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे। यदि किसी शब्द के अंत में पा, पन, हट, आधा त, व, बड़ी ई, इस तरीके से आपको अगर मिल जाता है आ, तो इस तरीके से आ की मात्रा, इस तरीके से यदि आपको कहीं पे लिखा मिल जाता है तो आप जान जाइएगा कि क्या होगा, तो निश्चित रूप से संज्ञा कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। कन्फर्म हुआ, भाववाचक संज्ञा। जैसे हमने लिखा बुढ़ापा, बुढ़ापा एक हमारा क्या है, अवस्था। जैसे हम लिख दें लड़कपन, लड़कपन क्या है, जैसे लिख दें हम बचपन, ये हमारा क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारा क्या है, तो निश्चित रूप से है क्या। जैसे हम लिख दें यौवन, हमने लिखा यौवन एक अवस्था, तो इस तरीके से ये सब संज्ञा कौन सी हो गई, तो निश्चित रूप से इसमें संज्ञा कौन सा है, भाववाचक संज्ञा, कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। स्पष्ट हुआ, जैसे हम आपको लिख दें भाववाचक संज्ञा, जैसे हम इसमें आपको कुछ लिखे, जैसे लिख दें गुरुत्व, गुरु, गुरुत्व, जैसे लिख दिए ममत्व, जैसे लिख दिए नारित्व, नारी का गुण, नारित्व, ममत्व, लघुत्व, तो आधा आपको आधा तय हुआ शब्दों के अंत में देखिए आपको दिखाई दे जाएगा संधि संज्ञा कौन सी है, तो शब्दों के अंत में आधा तय हुआ अगर जुड़ा हुआ दिखाई देता है तो आप समझ जाएंगे संज्ञा जो होगी वह कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगा। बिल्कुल, कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल, जैसे हम आपको बता दें, जैसे आपको शब्द को ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा है इस तरीके से, जैसे आपको लिख दिया लंबाई, जैसे लिख दिया चौड़ाई, तो इस तरीके से इसमें भी कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है आपका, तो भाववाचक संज्ञा। कन्फर्म हुआ, तो भाववाचक संज्ञा को पहचानने और पकड़ने का बिल्कुल आसान तरीका, यदि शब्दों के अंत में क्या हो, शब्दों के अंत में यदि आ, पा, आपको पन, हट, वट, जैसे लिख दिया जाए कड़वाहट,
लिख दिया गया शब्द कड़वाहट। अब पूछा जाए कि कड़वाहट में कौन सी संज्ञा है, तो जैसे करेला का गुड़ हो गया कड़वाहट, तो इसे कड़वाहट क्या है, कैसी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा। कन्फर्म हुआ। हम एक बार सारी संज्ञा को एकदम सीधे से बताते हैं, संज्ञा किसे कहा जाता है, तो संज्ञा बिल्कुल बिल्कुल आसान सही बता रहे हैं। संज्ञा क्या है, तो हमने कहा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या होता है नाम, संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने वस्तु हैं, जितने प्राणी हैं, जो भी स्वभाव हैं, सब क्या हैं, संज्ञा हैं, सब क्या हैं, संज्ञा हैं। और संज्ञा है तो संज्ञा को हम किन पांच प्रकार से बांटते हैं, आपको जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्कुल समूहवाचक, और द्रव या पदार्थवाचक, और भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है जात समूह का बोध कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और समूह का बोध कराने वाले शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, और माप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को हम द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। साथ साथ भाववाचक संज्ञा, तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के भाव गुण दशा अवस्था स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कन्फर्म हुआ। तो हम ऐसे को क्या कहते हैं, आज हमारा संज्ञा का चैप्टर। हम आपको संज्ञा के बाद फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, इन सारे चैप्टर को बिल्कुल आराम आराम से बताते रहते हैं। आगे देखिएगा।